भाई, इसी सवाल का मैं थोड़ा और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट होती है, जैसे पाकिस्तान लीजिए, उसकी 6.3% है, यानी कि 63 बच्चे जो होते हैं 1,000 बच्चों में से मर जाते हैं। तो अगर अल्लाह टेस्ट करना चाहता है तो फिर बेचारे ये 63 बच्चे जो हैं उनका टेस्ट क्यों नहीं पूरा लिया? और अगर टेस्ट लिया है तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि उनको जन्ना मिले, क्योंकि हदीसों में हजरत आयशा की हदीसों में पता चलता है कि कोई गारंटी नहीं है कि जो बच्चे जो मर जाए उनको जन्ना मिले। तो आप मुझे बताइए कि ये किस तरह का टेस्ट है, क्योंकि ये टेस्ट सही टेस्ट नहीं है, इसीलिए मेरे ख्याल से ये अल्लाह को डिस्प्रूव करता है। थोड़ा इसके ऊपर बताएंगे थोड़ा? पहले तो ये बात मैं बताऊं, आपने जो लास्ट सेंटेंस कहा ना, मैं वहां से फर्स्ट स्टार्ट करूंगा कि अगर आपका अल्लाह के बारे में कोई सवाल है, डज दैट मीन कि ही डजंट एग्जिस्ट? नहीं, अल्लाह अगर की आपको जो अल्लाह नहीं अच्छा एट्रीब्यूट, लगता है, सपोज करो कि अल्लाह नहीं अच्छा लगता है, डज दैट मीन ये दलील हो गई कि उसके वो नहीं वजूद, उसका वजूद नहीं है? आपको ट्रम्प नहीं अच्छा ऐसा, लगता था, नहीं, ऐसा कुछ बट नहीं। ट्रम्प का वो जो वजूद था ना, तो मतलब वो जो नहीं लास्ट कंक्लूजन आपने बताया वो रॉन्ग हो गया। पहले तो ये बात मैं बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं कि नहीं मैं अगर इसलिए बोल आपको रहा हूँ अल्लाह के क्योंकि बारे में सवाल अल्लाह है, दैट डजंट मीन ही अल्लाह डजंट नहीं एग्जिस्ट। नहीं अल्लाह का एट्रीब्यूट है ना, कि वो एक तो पहली बात है वो जस्ट है, और वो जो है वो इम्तिहान लेता है हमारे मैं आपको इंसानों सब का। सवाल का जवाब दूंगा स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह, और आपको इंशाल्लाह कन्विंसिंग जवाब दूंगा इंशाल्लाह। हाँ, तो यहां जी पर मैं आपको, वो बच्चा आपने बोले ना, मैं बच्चे से आगे बढ़ के बड़े की बात बोलूंगा, बड़े नॉन मुस्लिम की बात बताऊंगा, और फिर वहां से वहां आएंगे बच्चे के लिए कि कोई नॉन मुस्लिम है जो शिर्क करता है, और बच्चे की बात का भी जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा इस सवाल के अंदर। बच्चे के बारे में आपके पास अच्छा मिस इन्फॉर्मेशन है, वो जो आपने हदीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बताई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्चुअली गैर मुस्लिम के बच्चों के बारे में भी कहा कि वो जन्नत में होंगे, जो नॉन मुस्लिम्स के बच्चे उनके भी बच्चे जन्नत में होंगे। हाँ, तो यहाँ पर वो सवाल का जवाब हम देखते हैं कि ये हदीस से मौजूद है, लेकिन यहाँ पे अभी बड़े नॉन मुस्लिम्स की बात करते हैं, ऐसे नॉन मुस्लिम जिनको इस्लाम का मैसेज सपोज करो नहीं मिला, सपोज करो उसको नहीं मिला और किसी को मिला, तो दोनों की केस देख लेंगे। तो पहले तो वन गॉड का कंसेप्ट बहुत लॉजिकल है, वन गॉड का कंसेप्ट बहुत लॉजिकल है। हाँ, नहीं लॉजिकल नहीं और है, सेकेंड मैं नहीं चीज, मानता। वन गॉड का कंसेप्ट जो है ना कि वो गॉड आसमान और जमीन का मालिक एक है, पालनहार, उसके नहीं जैसा जरूर कोई नहीं, नहीं है, हमारी सारी बिल्कुल इबादत श्रद्धा उपासना उसी एक के लिए, ये बहुत ही नहीं, कोई लॉजिकल लॉजिकल कंसेप्ट है। नहीं है, लेकिन ये नहीं टॉपिक पे बिल्कुल। आपको बात करना है ना, हाँ हाँ इसको कैसे बाद में अलर्ट, करेंगे, हाँ बताओ क्या नहीं लॉजिकल लॉजिकल नहीं नहीं है है। इसमें जो आपकी स्क्रीन पर है? ये आपका प्रेमिस जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें लॉजिकल तो नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को देख लें तो इस दुनिया में करीब 12 के आसपास फंडामेंटल टाइप के पार्टिकल्स हैं। तो ये तो बल्कि पॉलिथीज़म को प्रूव करता है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं इस दुनिया के वो मैनी है, वो एक नहीं है। तो एक गॉड तो हो ही अरे नहीं, तो मतलब एक एलिमेंट्स गॉड उससे भी ज्यादा है, लेकिन क्या तो है एक, कि हाँ कंट्रोलर कितने हैं? अगर आप बहुत कहें सारे कि हो सकते हैं, कंट्रोलर जो होते हैं, हाँ बहुत सारे जी, हो सकते हैं। कंट्रोलर अगर कहें कि एक मल्टीपल है, गाड़ी में कितने ड्राइवर हो सकते हैं आपके हिसाब से? ये तो गाड़ी, ये एक ड्राइवर के मोर कोई देन दैट यूनिवर्स, कोई क्या गाड़ी हो नहीं रहा है है ना, ना, हम ये एक तो ऑफ शूट में ब्लॉक जा के रहे हैं। एक साथ। सवाल आपने नहीं पूछे नहीं ना, क्या हो रहा है, वो सवाल को आप होल्ड करो थोड़ी देर, जो आपका सवाल है ना उसका जवाब दे चलिए, सकता हूँ, इसको हम जाने करेंगे भी दीजिए, डिस्कशन, इसके लेकिन ये बाद एक में। ऑफ हाँ शूट है ना, हम जो जहां से स्टार्ट किए वो पहले मैं फिनिश कर लूं, फिर मैं आप उसको जी बताऊं। ठीक ठीक है, कुरान में कई सारे ऐसे दलाल हैं, अल्लाह ने कहा है वमा कुन्ना मुआद्दिबीन हत्ता नबअथ रसूला, मैं अजाब नहीं दूंगा यहां तक आके मैं रसूल ना भेज दूं, मैसेजर ना भेज दूं। और जहन्नम में जब लोगों को डाला जाएगा, सालहुम खजानतुहा अलम यातिकुम नदीर, वहां के जो दारोगा पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया, तो वो लोग कहेंगे कालू कद जाना नदीर, कि हाँ हमारे पास डराने वाले आए। मतलब जहन्नम में जो लोगों को डाला जाएगा वो कहेंगे हमारे पास डराने वाले आए, फकद्दब ना, हमने उनको झुठला दिया, हक बात को सच्ची बात को उन्होंने झुठला दिया। और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह 77 में 12 जगहों पे कहा वैलु यौमइदिन लिलमुकद्दिबीन, उस दिन लानत है, बदबख्ती है झुठलाने वालों के लिए, यानी उनको हक मिला और फिर भी झुठलाया। सूरह फोर्स 115 में आता है मिम बादी मा तबैयना लहुल हुदा, हक वाजे होने के बाद भी कोई इनकार करता है उसके लिए सजा जिक्र है, यानी हक वाजे हो। यहां पे बात क्या समझ में आती है, जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी हदीस में, ये मैं हदीस पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ, मुस्नद अहमद की सही हदीस है, उसमें चार किस्म के लोगों के बारे में आता है, माता फिल फतरा, जो पीरियड ऑफ जहां पे उसको मैसेज नहीं मिला वो पीरियड में मरा, मैं अडल्ट की बात कर रहा हूँ, सोचो बच्चे की बात तो अलग ही है, वो अडल्ट की बात कर रहा हूँ, माता फिल फतरा। और एक वो असम बहरा अहमक, जो अहमक है इनसे इन्हें,
और हरम यानी कि बहुत बूढ़ा, ये चार वो अल्लाह के पास शिकायत करेंगे। जो माता फिल फतरा कहेगा अल्लाह इस्लाम का मैसेज मेरे पास आया ही नहीं, जो असम है बहरा है वो कहेगा अल्लाह इस्लाम का मैसेज आया लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, और जो इनसे है वो कहेगा आया लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, और हरम जो बहुत बूढ़ा होगा वो कहेगा आया लेकिन मुझे बराबर से समझ में नहीं आया। अब ये चारों का इम्तिहान होगा और उन्हें कहा जाएगा कि कोई 101 भाई बहुत सब्र कर, भाई 101 भाई आप सब्र करिए, आपको मिलेगा मौका, इनके बाद आपका ही मौका है, हाँ आपके पास इंशाल्लाह। चलिए नहीं, इनके नेक्स्ट बाद में ये, तो क्वेश्चंस ये क्वेश्चन का चारों है। अल्लाह के पास, हाँ क्वेश्चंस और फिर उनके बाद 101, हाँ तो हैव सम सब्र बरकत। तो यहाँ पे क्या है, ये जो चार लोग अल्लाह के पास शिकायत करेंगे और फिर अल्लाह ताला उन्हें कहेगा कि तुम्हारे साथ जुल्म नहीं किया जाएगा, ये लोग कह रहे हैं उनको मैसेज नहीं मिला इन शॉर्ट, और एक फरिश्ते को कहा जाएगा कि इनको लेकर जाए, अल्लाह पहले उनसे वादा लेगा कि आज तुम्हारे लिए ये फरिश्ता मैसेंजर है और आज तुम वादा करो कि इस फरिश्ते की बात सुनोगे, वो लोग बात करेंगे वादा करेंगे कि सुनेंगे, और फिर उसके बाद वो फरिश्ता उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां उन्हें आग दिखाई देगी, उनको कहा जाएगा उसमें उदखुलू दाखिल हो जाओ, और जो लोग फरिश्ते की बात सुनकर जाएंगे उस आग के अंदर वो लोग जन्नत पहुंचेंगे, जो वो फरिश्ते की बात सुनकर नहीं जाएंगे वो जहन्नम जाएंगे, नाफरमानी करेंगे अल्लाह के पास जो आहद किए थे उसको तोड़ेंगे, वो सब कहां जाएंगे जहन्नम जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया है इम्तिहान की जगह, यहां से हैबिट्स फॉर्म होती है, बाज लोग होते हैं ना लालची होते हैं, उनको सही गलत नहीं दिखना है बस फायदा देखने का है, ऐसे लोग होते हैं, तो वो लोगों की वही आदत होगी कि आगे भी जाकर फरिश्ता सामने अल्लाह के पास वादा करके आए, कयामत का दिन देखा है, लेकिन वो लोग फिर भी अपनी लालच को फॉलो करेंगे, अल्लाह का इंकार करेंगे, उनको ये जहन्नम तो मिलेगी। जैद पता क्या भाई, एक चला, साल, मैं रिपीट कंप्लीट एक साल का बचा है। कर देता हूं ये बात, 5 मिनट रुक जाइए, 3 मिनट रुक जाइए, मैं फिनिश कर लेता हूँ। पता क्या जी चला कि बहुत जरूरी मुस्लिम्स बताया। में ऐसे भी लोग मिलते हैं मुनाफिक हिपोक्रेट्स, और वो जाएंगे जहन्नम में, जहन्नम के सबसे निचले तबके में नाम मुस्लिम होगा, और नॉन मुस्लिम्स में ऐसे भी लोग हैं जिनको मैसेज नहीं मिला लेकिन सच्चाई को फॉलो किया वो जन्नत जाएंगे, इस हदीस से पता चला। तो हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज से आपको ये समझना है कि गॉड जो है वो रिवॉर्ड भी देता है और पनिशमेंट भी देता है। अब आपने जो जी कहा कि जो बच्चे जो बचपन में मर जाए तो हाँ उनके लिए अच्छा ही है, उनके लिए अच्छा ही है, अब उसकी मर्जी अल्लाह की मर्जी, कि मिसाल के तौर पर कोई है जिसको इम्तिहान से गुजर करके हाईएस्ट लेवल तक जाने मिलेगा, कोई है जिसकी जान पहले ही चली जाएगी बचपन में ही चली जाएगी, और उसको जन्नत के अंदर एक सर्टेन लेवल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर उसको उसका लेवल, बच्चों को, तो यहाँ पे कुछ बुरा नहीं हुआ उसके साथ। अब आप कह रहे नहीं, हो बड़ा कि नहीं उसका लॉजिकल है। इम्तिहान क्यों नहीं लिया, तो उसकी मर्जी, जैसे मिसाल के तौर पर किसी किसी को किसी किसी के साथ ऐसा है, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देख सकते हो कि फरिश्ते, फरिश्ते क्या है वो एक लेवल पे है, अब फरिश्ते और इंसान के बीच में लेवल में फर्क है, फरिश्तों का इम्तिहान नहीं हो रहा है जो हमारा इम्तिहान हो रहा है, हमारा इम्तिहान हो रहा है हमें शैतान और उसके वसवसे और उसके रॉन्ग चीजों के सामने डील करके जन्नत में हाई लेवल मिलेगा, फरिश्ते वो लेवल नहीं पहुंच सकते हैं। शैतान बुरा है क्या? शैतान होना अच्छा हुआ कि शैतान है, इसी वजह से हमें वो लेवल जाके मिल रहे हैं, पहुंचने मिलेगा नहीं तो हम लोगों को मौका ही नहीं मिलता वो। अब वो बच्चे हैं इनको जन्नत में लेवल मिल रहा है, हदीस है उस बारे में, मैं स्क्रीन पे लाके बता सकता हूँ अभी, लेकिन जन्नत में लेवल मिल रहा है लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, कोई बताओ कैसे जुल्म हुआ, बताओ कैसे जुल्म हुआ उस बच्चे के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि इम्तिहान है किसके लिए, उसके माँ बाप के लिए, उसके माँ बाप के लिए इम्तिहान है, बच्चों की मौत हो गई, अब वो माँ बाप का रिएक्शन क्या होता है, सब्र करेंगे जन्नत मिलेगी, ना शुक्री सही। करेंगे तो उनकी सजा है। अब आप बताओ क्या मैंने कहा, इसके अंदर आपको क्या ऑब्जेक्शन है? इसमें आप, इसमें क्या है ना, पैरिटी नहीं है कि यानी कि जो आदमी, जो अगर आदमी होता है, वो पैदा होता है, सबका एक जैसा इम्तिहान होना चाहिए। अब कोई जो है उसको किसी का जो है टाइम ही आपने कम एग्जाम कर दिया दिया, है, सुनिए एग्जाम हर से साल जो उसको होता है पहले ना ही उसको पेपर हटा सेम दिया, आता है उसको बोला क्या? तुम हट जाओ यहाँ से। नहीं, पेपर दिया डाला, हाँ बता रहा हूं लेकिन मैं आपको, वही वो सवाल का बढ़ा भी जवाब नहीं दे हो रहा हूं। पाया, वो बच्चा ही रह गया एक, जो उसको उसको बढ़ने का मौका नहीं दिया, उसको एग्जाम का प्रिपरेशन करने का मौका नहीं दिया, ना तो उसकी दीन की तालीमात दी गई है। वो बेचारा जो है वो 3 साल का बच्चा ही है, और उसको जो है वो ऐसे ही मर गया है वो। और वो तो फिर उसके बाद फिर जाकर के वहाँ ऊपर जाकर के एक स्पेशल उसको एक जगह ले जाया जाएगा जहाँ पर उसका स्पेशल एग्जाम होगा। तो ये अजीब सी बात लगती है, ये एकदम इक्वालिटी एक नहीं है, वन बाय वन पैरिटी पूछिए ना, नहीं मैं आपको है, सब वन बाय वन बताता हूँ, एक मिनट रुकिए, एक होल्ड पैरिटी नहीं करिए, लग रहा है, एक बच्चे पैरिटी नहीं लग का रही एक है होल्ड करिए, मैं इसमें। आपको म्यूट नहीं करना चाहता हूँ, खुद ही होल्ड करिए। यहाँ पे क्या समझिए, आपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, अब देखो तीन चार चीजें पूछते हैं तो फर्स्ट चीज ध्यान से निकल जाती है कि आपने क्या कहा, तो अभी मैंने फर्स्ट कहा थिंग था कि आपने क्या कहा था शकील एग्जाम भाई, आपने टाइम क्या कहा था पैरिटी, कि पैरिटी नहीं है, पैरिटी पैरिटी होना नहीं चाहिए, है। देखिए हाँ भाग एग्जाम से में जल्दी सबर को होगा, 7 मिनट का, जैसे 7 मिनट का एक एग्जाम है, एक 7 मिनट मिनट का अंडरस्टूड एग्जाम। अंडरस्टूड डब्बई अंडरस्टूड। जस्ट 1 मिनट। तो हाँ यहाँ पे क्या है, हाँ मैं जरा फिनिश कर लूँ, देखो एग्जाम जो है ना पेपर हर साल सेम आता है क्या, सेम पेपर नहीं आता है हर साल, जरा एडमिट करिए,
तो हर साल सेम पेपर नहीं आता है, लेकिन आपका एग्जाम अलग है, मेरा एग्जाम अलग है। आप वक्त भाई हो, आप एक नॉन मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुए हो, मैं एक मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुआ हूँ, हाँ, लेकिन जजमेंट फेयर होना चाहिए। मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक है, लोगों के बीच में फेयर जजमेंट होगा, हाँ, इंसाफ के साथ मामला होगा। अब आपने कहा वो बच्चे को क्यों मौका नहीं मिला और बड़े एग्जाम का, अल्लाह जानता है क्या अच्छा है उसके लिए। उसके लिए यही अच्छा था कि इतना शॉर्ट एग्जाम उसको मिल जाए और उसको जन्नत का वो लेवल मिल जाए, जन्नत का एक कम लेवल है लेकिन मिलेगा मिलेगा, तो यहाँ पे उसके लिए वही अच्छा है बच्चे के लिए। अब आप कौन है जो फैसला करें कि नहीं अच्छा है। देखिए हमें क्या पता गया कि अल्लाह के एट्रीब्यूट्स में एक नाम है अलबर, सिर्फ अच्छा करने वाला। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, लोग उसकी उसकी कायनात को देखकर भी उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं करते। अगर उस पर ट्रस्ट करते, उसके बारे में अच्छा गुमान करते, तो कितने एहसान है, करोड़ों एहसान है, हम लोगों को पता नहीं उतने एहसान है। एक एक सांस उसका एहसान है, उसके ऊपर तुम भरोसा नहीं कर सकते अपने क्रिएटर के ऊपर। उसके बारे में अच्छा थॉट नहीं रख सकते, नेगेटिव थॉट रखोगे उसके बारे में। तो समझने वाली बात क्या है कि वो बच्चे के साथ अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। शकील भाई जस्ट अ मिनट, क्या हुआ जैद भाई, थोड़ा फिर मेरे ख्याल से अर्तुरुल गाजी जो है ना आउट ऑफ टॉपिक सवाल पूछ रहे हैं, एंड आई थिंक आपको जरा चैट रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, जी एडमिन्स के जी साथ में चैट कर सकें जी, ताकि जैद भाई मेरे लास्ट क्वेश्चन सिंपली एक है अननेसेसरी, क्योंकि हम सारे सवाल एक साथ में नहीं ले सकते ना, एक टॉपिक टू टॉपिक चलते रहेंगे जी। जैद भाई, मेरा एक ओके लास्ट यहाँ क्वेश्चन यही पे है कहाँ गए भक्त भाई, आपने आपको अनम्यूट करिए, सवाल पूछ सकते हैं आप। दूसरा क्या बात जी, कह रहे थे आप? मैं ये कह हाँ रहा था। अच्छा, आप अच्छा कह रहे थे कि आपको वो चीज समझ नहीं समझ में आई, उसके बाद आपने क्या सवाल पूछा था, क्या जी जी बात मैं आपको नहीं कह रहा समझ में था आई? जी, जैसे जैसे हर एक मरने के आदमी बाद और एक को, इम्तिहान क्यों, आप ये पूछ रहे थे ना, हाँ मरने के नहीं बाद और एक इम्तिहान मैं क्यों, एक तो टाइम का वो मेरा, एक तो इम्तिहान जो मेरा है, ऑब्जेक्शन है, टाइम का ऑब्जेक्शन था मेरा कि किसी एक को मिनट साठ रुको, पहले साठ आपने जो कहा ना, एक सेकंड मैं आपके सवाल पे आता हूँ, लेकिन आपने एक सवाल पूछा ना, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ ना। कयामत के दिन जो इम्तिहान है ना, वो रिजल्ट है, वो ला रहा है, जाहिर कर रहा है, जिंदगी इम्तिहान, इम्तिहान की जगह ये है, वो जो चीज है ना वो रियलिटी एक्सपोज कर रहा है बस। मिसाल के तौर पर जिंदगी भर कोई लालची बन के जिंदगी गुजार रहा है, उसको सही गलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस अपनी लालच की पूर्ति में पूरा करने में इंटरेस्ट है। भक्त भाई मैं आपके लिए भी बात बोल रहा हूं, आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके सोचो, आपके सामने भी आज मैसेज पहुंचा है, आप सोचो इस बारे में। अगर आपको सच्चाई में इंटरेस्ट है ना मेरे भाई, मेरे ब्रदर, आपको सच्चाई में इंटरेस्ट है ना और आपको समझ में आ रहा है ना ये सच है, उसको इनकार नहीं करना। अब बाज लोग होते हैं ना, उनको बस ये चीज है, उनको सच क्या है गलत क्या है इंटरेस्ट नहीं, परंपरा, बाप दादा, हमारा समाज, माशरा, सोसाइटी, पैसा, ये इंटरेस्ट है, लालच, उनको सच्चाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो वहां पे वो लोग जो है ना, जो सच्चाई जानते हैं, अल्लाह मेरा मालिक है, मुझे उसको वादा करके आया हूं, मैं उसकी बात मानूंगा, और फरिश्ता कह रहा है आग में जाओ, लेकिन आग दिखने में तो खतरनाक दिख रही है, तो उनका क्या इंटरेस्ट होता है, उनको सही क्या है उसमें जानने में इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको क्या चीज में इंटरेस्ट होता है, उनको इंटरेस्ट होता है लालच पूरी करने में, वही चीज करेंगे, वो फेल हो जाएंगे, उनकी हकीकत जाहिर होगी, जिंदगी भर की हकीकत जाहिर होगी। लेकिन जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं, भले ही नॉन मुस्लिम है, कोशिश करते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ा इस्लाम का मैसेज, मालूम पड़ता तो कबूल भी करते, लेकिन उनको मैसेज नहीं मिला और वो क्या बोलते हैं, जिंदगी भर उनकी कोशिश होती है सच्चाई क्या है मुझे वो फॉलो करना है, सच को फॉलो करना है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके लिए मामला क्या है कि उनको अपना रिजल्ट मिलेगा, उनको अपना रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी चलो, अभी आपका अगला सवाल पूछो, मैं आपको दो सवाल और देता हूँ, दो सवाल और पूछो, फिर बाद में नेक्स्ट पर्सन को लेंगे। हाँ जी बोलिए। जी, पहले वाला सवाल का खैर जो भी आपने जवाब दिया मैं इसका कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरा सवाल यही है कि जैसे अफ्रीकन ट्राइब्स हैं जिनको कभी भी किसी भी तरह का आपका जो दीन है उसके बारे में पता नहीं चला है, तो उनको भी क्या उनको क्यों टेस्ट में आपने अल्लाह ने क्यों ये क्यों नहीं सोचा कि वो भी दीन का उनको पहुंचाए, मैसेज पहुंचाए, जिससे कि वो उसको समझे और वो एग्जाम को पास कर पाए। और तीसरा है कि क्या हमारे प्रॉफिट जो थे, नबी के जो के जो आपको मैं फिनिश कर के दूं जो ये सवाल का जवाब बता दूं मिस्टर ब्रदर भक्त, मैं आपको ये अफ्रीकन ट्राइब्स का पहले बता देता हूं। तो देखिए यहां पे आपके सामने ही जवाब था कि चार किस्म के लोग अल्लाह से आर्ग्यू करेंगे कयामत के दिन, और उसमें एक शख्स जो है ना माता फिल फतरा, जो फतरे के दौर में इंतकाल हुआ और उसको मैसेज नहीं मिला, तो कहेगा मुझे मैसेज नहीं मिला। तो वो जो अफ्रीकन ट्राइब वाला है ना, आपको उसको कई चीजें मिली, ये मैं आपको बता दूं। इस्लाम ये कहता है पहले तो अल्लाह की निशानियां हर जगह पर है, हर जगह पे अल्लाह की निशानियां हैं। इंसान बॉर्न होता है प्योर नेचर पे बॉर्न होता है, और इंसान के अंदर एक नफ्स होता है, एक कॉन्शियंस होती है, जो उसको क्या करता है, कॉन्शियंस उसको क्या कहती है,
सही और गलत। अल्लाह ताला कहा कि अल्लाह ने उसे सही और गलत की पहचान दी, वो नफ्स व नफ्सी व मा सवाहा फालहमा फजूरहा व तकवाहा, उसे सही और गलत की पहचान दी, ये कॉन्शियंस हो, तो पैगंबर आए बगैर सजा नहीं देगा अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ने इंसान को फिर भी कई चीजें दी है कि वो अच्छाई के रास्ते पे चले, सच्चाई के रास्ते पे चले, सही को चूज करे। तो इम्तिहान अलग अलग है, इम्तिहान अलग अलग है, जजमेंट फेयर होना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप और मैं अगर होते तो हम बोलते, अरे ये चार किस्म के लोग, इन्होंने ना नमाज पढ़े ना रोजा रखे, ये कैसे जन्नत जाए, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ये चार किस्म के लोगों में से लोग जन्नत जाएंगे, जैसे कि इस हदीस में आया है, मुस्नद अहमद की सही हदीस है, ये हदीस में आया है, उनमें से जो लोग सही करेंगे वो जन्नत जाएंगे। तो यहाँ पे फैसला आप और मैं नहीं करने वाले हैं, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से करने वाला है, और अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करेगा, किसी पे जुल्म नहीं करेगा। और यहाँ पे ये सवाल का जवाब है। अब आप कहो कि अफ्रीकन लोगों को नहीं मिला, तो वो उनके लिए ना मिलना बेहतर है। आज भी दुनिया में अफ्रीका के, आज भी दुनिया में कितने सारे लोग हैं, उनको नहीं मालूम पड़ता है मैसेज। हाँ एक मिनट रुकिए शकील भाई, आर यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द चैट? नो, जैसे आप इग्नोर करो चैट को, हम लोग मॉडरेट कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, मॉडरेटिंग। नहीं कर रहा हाँ, हूं, आप इग्नोर, मैं आप इग्नोर होस्ट, करो मैं खाली। रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने होस्ट कैन को होस्ट के लिए कर दिया। हाँ जी, क्योंकि क्या अननेसेसरली जो डिस्कशन अलग स्टार्ट हो जाता है चैट में, लोग यहाँ का डिस्कशन पे फोकस नहीं करते, एक दूसरे को वहां जवाब देने में इंटरेस्टेड होते हैं। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह की मर्सी है, अल्लाह का फजल है, और ये भी एक मर्सी है कि उसको नहीं मिला। क्यों? मिलता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती थी, वो प्रॉफिट मिलता उसको बढ़ जाती थी, उसको अलग किस्म का इम्तिहान मिला, एग्जाम्स अलग अलग किस्म के हैं। लेकिन जिसको मिला है उसको नेमत को समझना है, उसको हायर लेवल जाने का मौका मिल रहा है।